जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय ब्रजधाम। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जहाँ पर अनेक अनेक तीर्थों का जहाँ उल्लेख है, उन अनेक तीर्थों में उत्तराखंड के जो उत्तर भारत के चार तीर्थों का प्रमुख उल्लेख है, जिन्हें हम चार धाम के नाम से जानते हैं, वो चार धाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले जिनका नाम आता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री। ये चारों धाम हमारे हिमालय की गोद में छुपे हुए हैं और प्रत्येक सनातन धर्म के व्यक्तियों को इन चार धामों की यात्रा करना हमारे सनातन धर्म के हिसाब से एक अति अनिवार्य आवश्यक बताया गया है। लेकिन ये दुर्गम पहाड़ी, दुर्गम स्थान और मौसम की अपनी अंगड़ाई, इसमें हर प्रकार के व्यक्ति को जाने की संभवतः उतना आसान नहीं है। अगर हिम्मत कर लें तो ये असंभव भी नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। क्या आपको पता है, एक मैं गुप्त रहस्य बता रहा हूँ ब्रजधाम के बारे में, ये चारों के चारों तीर्थ हमारे ब्रजमंडल में उपस्थित हैं। और इतना ही नहीं, इन चार धामों के अलावा दुनिया भर के जितने भी तीर्थ हैं, सब हमारी ब्रज 84 कोस के अंतर्गत अपने अपने स्थानों पर और स्वरूप में विद्यमान हैं। मैं आपको एक छोटी सी गर्ग संहिता की लघु कथा के माध्यम से आज चार धाम के बारे में बता रहा हूँ। जो चार धाम हमारे उत्तराखंड में मौजूद हैं, उन्हीं चारों रूपों का वास्तविक स्वरूप ब्रजमंडल के अंतर्गत भी मौजूद है। ये स्थान ब्रज में यानी गोवर्धन से लगभग 40 मील की दूरी पर, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, डी तहसील के अंतर्गत अलीपुर गांव के पास, जहां पर आदिबद्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ साथ हर की पौड़ी, अलकनंदा एवं हमारे गणेश पहाड़ी, विष्णु पहाड़ी, ऐसे दिव्य अनेक चंदनवन और आपका देव सरोवर आदि अनेक तीर्थ वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे गर्ग संहिता वर्णन आता है कि जिस समय हमारे लाला कन्हैया 5 वर्ष के हो गए, तो नंद राय जसोदा जी एक चारों धाम की यात्रा के लिए उस समय की जो फूड की व्यवस्था होती थी, लड्डू मठड़ी या सूखा भोजन बना के तैयार हो गए और नंद राय जी ने लाला को बुलाया कि लाला तुम भी तैयार हो जाओ, हम चार धाम की यात्रा पर चलेंगे। लाला कन्हैया मुस्करा के बोले, बाबा तुम्हारी 90 साल की उम्र है और अम्मा की भी वृद्धावस्था है, क्या इस उम्र में तुम पहाड़ों में चढ़ोगे? आपको जानकारी है उस समय पर इतने साधन, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मार्ग, इतने संसाधन नहीं थे। सब लोग अपने आत्मबल के सहारे पर और प्रभु की भक्ति के सहारे पर अपने शरीर के श्रम के द्वारा इन सब दुर्गम पहाड़ियों में यात्रा किया करते थे। लाला कन्हैया ने कहा कि बाबा इस उम्र में ये सब संभव नहीं है। बाबा कहने लगे, लाला देख, मैंने भगवान से ये प्रार्थना की और ये मन्नत मानी थी कि जिस समय मेरे घर में लाला आएगो, पुत्र को जन्म होगा, वो 5 वर्ष के होंगे, तो उनके साथ में चारधाम की यात्रा पर जाऊंगा, तो ये मेरी मन्नत है। और मन्नत को हम लोग मानसिक संकल्प कहते हैं। अगर लाला मैंने पूरा नहीं किया तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, तो ये काम तो मुझे करना है। लाला बोले, बाबा अवश्य करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन तीर्थों को मैं ब्रज में बुला दूँ तो क्या होगा? लाला हंसे, लाला ऐसे कैसे हो सके, वो तो चार धाम में। कि बाबा देख, मैंने पूतना को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, सकटासुर को मारा, क्या कोई संदेह हुआ? कि लाला संदेह तो नहीं है, लेकिन फिर भी। बोले फिर भी क्या है? बोले फिर भी यह कि लाला तू कह देगा और मैं मान लूँगा, आपकी बात को दुनिया क्या कहेगी? बोले बाबा जितने ब्रजमंडल के लोग हैं उन्हें सब मेरे साथ ले चलो, उस पावन हमारी ब्रजमंडल के अंतर्गत इन सब तीर्थों को मैं स्थापित कर दूंगा। बाबा की बात समझ में आई, क्योंकि लाला कन्हैया इससे पहले कई ऐसे अद्भुत कर्म कर चुके थे जिनके भागवत आदि सभी ग्रंथ भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। गोवर्धन से करीब 40 मील की दूरी पर यहाँ आज भी खो नामक गाँव बसा हुआ है। खो जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में और अपने डीग तहसील के अंतर्गत आता है, खो हो। वहाँ पर एक मैदान था
अनेक ब्रजवासी पूरे झुंड के झुंड इकट्ठे हो गए कि आज हमारी ब्रज में चारों धाम और अनेक तीर्थ आएंगे। इस कौतूहल को देखने के लिए सब वहाँ उपस्थित थे। वहीं पर ऋभु नाम के ऋषि तप कर रहे थे। उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली थी। रात्रि को सब लोग विश्राम कर गए और लाला कन्हैया ने कहा कि सब कल प्रातःकाल तीर्थ आएंगे। ऐसे सब लोग बड़ी हंसी खुशी में विश्राम कर रहे हैं। लाला कन्हैया ने ऋभु नाम के ऋषि की तपस्या पूर्ण करने के लिए जैसे ही वहाँ गंधमादन पर्वत, वो भी ब्रजमंडल के अंदर एक आता है, तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचे हैं उन्हें देख करके ऋषि पिघल गए। और ऋषि पिघल गए, उनका जल गंगोत्री जमुनोत्री अलकनंदा के मार्ग से होता हुआ उनके शरीर के जल जहाँ आदिबद्री आज भी मौजूद है, वहाँ पर तप्त कुंड जो तपस्या के द्वारा ऋषि की जो है वहाँ पर है। अभी एक वर्षा के कम ज़्यादा अनुपात के कारण और भौगोलिक परिवर्तन मौसम के परिवर्तन के कारण दीप कुंड में पानी है किंतु गर्म नहीं है। हमें याद है लगभग 30 साल पहले वहाँ पर गर्म पानी हुआ करता था, हमने स्नान किए, बाल्यावस्था में हमने बड़े वहाँ पर जल भी देखा है। अभी भी जल आदि नहीं है लेकिन स्वरूप वही है। तो क्या हुआ, रात को भगवान श्री उनके पास गए, प्रातःकाल जब देखा सब लोगों ने लाला कन्हैया कहाँ गया, अरे भाई खो गए हो, तो उस नाम से खो गांव बस गया। जब एक प्रहर सूर्य दिन आया, भगवान प्रकट हो गए, सब बोले लाला कन्हैया कहाँ चला गया, बोले मैं ऋषि की तपस्या पूर्ण करने गया। तो वहाँ पर मेरे लाला कन्हैया ने प्रत्येक तीर्थ का आह्वान किया है, सब तीर्थ वहाँ पर उपस्थित हुए और भगवान ने उनको ब्रज मंडल में हमेशा हमेशा रहने के लिए आज्ञा प्रदान की है। तो आज भी वही हमारे चार धाम मौजूद हैं। बद्रीनाथ जी में ज़्यादा चढ़ाई नहीं है और हमारी गंगोत्री जमुनोत्री में थोड़ी सी चढ़ाई है। देव सरोवर में लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई है और आगे जब चलते हैं हमारे केदारनाथ चरण पहाड़ी इत्यादि, तो केदारनाथ जी में लगभग 300 सीढ़ी हैं, जहाँ पर व्यवस्था आज की तारीख में डोली की भी है, जो अशक्त व्यक्ति होते उनको उस पर चढ़ाया जाता है। ऐसा वहाँ जाने के बाद अनुभव हुआ है और अनुभव होगा, आप लोग भी वहाँ जाएंगे। ठाकुर जी कृपा से, कन्हैया की परम कृपा से प्रतिवर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में लाला कन्हैया की असीम कृपा से आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में रघुलीला धाम गोवर्धन धाम से ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है। उसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं और अपनी समस्त जीवन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ध्यान रहे गर्ग संहिता के अनुसार जो फल तुम्हें उन धामों में प्राप्त होता है वही फल ब्रज धाम में भी प्राप्त होता है। तो अपने जीवन में ऐसे अवसर को चूकने ना दे बंधुओं, जब जहां आपको जिस प्रकार से अवसर की प्राप्ति होती है आप इस यात्रा को अवश्य करें। इस प्रकार के ब्रज में अनेक रहस्य हैं, समय समय पर हम आपको ब्रज धाम के बारे में बताएंगे। पूर्व वीडियो में ब्रज शब्द का अर्थ उसकी परिभाषा में बता चुका हूँ, समय आने पर अन्य गुप्त रहस्यों की और जो अद्भुत हमारे वहाँ पर स्थल हैं उनके बारे में समय समय पर आपको बताता रहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय चार धाम।